दो तीन घंटे बैठे चार घंटे बोला ब्रेकफास्ट भी जरा पटवारी ब्रेकफास्ट भी जनाब किसकी परमिशन थी? परमिशन सर किसकी परमिशन से आज आपने खोला? सर इतवार को छुट्टी होती है, इतवार को छुट्टी होती है, किसकी परमिशन से खोला साहब? ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपने अंदर बैठकर आप गलत काम कर रहे हैं, तो एतवार को किसी परमिशन लेकर आप काम कर रहे हैं ये बता दीजिए। जी जी वो 24 आवर होता है जी, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि अब मेरा रिकॉर्ड भी गर्म इधर आ गया तो मैं जमा मत नहीं, जो दो लोग फरार हुए हैं, एक दो लोग नहीं नहीं ये बता दीजिए वो कौन थे? उसके लिए मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करके जी 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 बता दूंगा, लेकिन आप नहीं तोड़ क्या करना चाहिए? मेरा तो 8 बजे था ये बैठा था, दफ्तर के बंदे नहीं, जो लोग फरार हुए वो कौन थे? दरवाजा खोले आप लोग कब से यहाँ पर आए? तीन चार घंटे हो गए जी जी, चार घंटे से दरवाजा खोलने के लिए बोले पटवारी साहब, दरवाजा खोलो, दरवाजा नहीं खोल रहे। इस ऑफिस में कितने लोग थे? सर दो, एक चला गया कुलदीप सिंह और एक पटवारी साहब, बस वो कोई नहीं और कोई बंदा नहीं। नहीं नहीं लेकिन लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि जो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट का काम होता है वो इतवार को भी, ठीक है, मगर वो बंदा क्या कर रहा था? क्योंकि हमारा केस चल रहा है सर उनके साथ, कोई केस कोई जगह का कोई हमारा लफड़ा है, जगह का कोई लफड़ा है सर, तो पटवारी साहब गए थे मौके पे, जगह जो हमारी वो अलग कर दी, गाड़ी मेरे पास कोई नहीं है, जो वो सर मैं अलग कर दूंगा। और ये वो क्या कर रहा है? ये कुलदीप सिंह यहाँ कौन है? कुलदीप सिंह हमारी नरोली का है और हमारा उनका दोनों का पार्टी का झगड़ा चल रहा है, मतलब पार्टी का झगड़ा चल रहा है। तो ये इनके साथ क्या कर रहा है? चार पांच घंटे पटवारी ने पहले भी हमारी भाइयों को कर सकी की दूरी तोड़ी है, उसके नाम जमा कर दिए आप। ये बता दीजिए कि इन लोगों का आरोप है कि जिसके साथ का झगड़ा है वो आपके साथ चार पांच घंटे से बैठा हुआ है, तो वो क्या कर रहा था यहाँ पे? वो पंडित के पास जी जी, आपको कैसे पता पंडित के साथ में आ गया? मैं तो अपने रास्ते गया, मैं तो नहीं, आपको मैम की परमिशन है कि आप यहाँ काम कर रहे हो? आपको मैम की परमिशन, तहसीलदार मैम की परमिशन है आपको? नहीं नहीं, आप अधिकारी के नहीं, आई नो पर वाट, क्या आपको नहीं आप क्यों इस पूरे सिस्टम को लेकर? आई नो तू कि पिंडा पटवारी साहब, पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ हल्ला गुल्ला हुआ है, तो लोगों का आरोप है कि आपने
चार घंटे से पिछले कुछ लोगों को जहाँ बिठा रखा है, जो दो दो पार्टी को झगड़ा है जमीन को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? बात ऐसी है कि जब से मैं आया हूँ ये नौलिया वाले खासकर, इनका आपस में कोई पहले से डिस्प्यूट चल रहा था, पहले से कोई इनका आपस में मसला चल रहा था। मैं सुबह इनके गांव के रास्ते से होकर जब आया, इन्होंने मेरे पीछे बंदे मगल गए, इन्होंने जहां तक कि मुझे मारने की भी पूरी कोशिश की, जितना हो सका है मुझे मारने की कोशिश की और अपने बंदे आगे खड़े किए। मैंने मैं जब जा रहा था पंडित के पास गोमेहाल में, और मेरे पास इसका सब सबूत है कि मैं पंडित के पास गया था। वहाँ कुलदीप नाम का जिसकी बात करे, वहाँ से वो ऑलरेडी वहाँ पर पंडित के पास गए। अगर आपकी बात मैं अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, या आप पंडित का नंबर मेरे पास है, आप पंडित से जिसे बात उनसे पूछ सकते हो कि क्या पटवारी नगरी का आपके पास आया था या नहीं आया था, आप उनसे पूछ सकते हो। मैंने उनको अपना टिपड़ा दिखाया। बड़ा साहब ये बता दीजिए कि इतवार को आपने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम कभी भी हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि नहीं, जाहिर सी बात है कि इतवार को आप जब आप जहां बैठे हैं तो यहां के आला अधिकारी जो तहसीलदार मैम, उनको तो पता ही होगा कि आप जहां बैठे हुए हैं काम करने के लिए। बेसिकली क्या होता है कि कई बार ना रिकॉर्ड लेने के लिए हमें आना पड़ता है, मैं एक जमा नदी लेकर आ रहा हूँ, नरोलिया की इन्हीं की जमा नदी हो गया, पहले से ही दो तीन पटवारियों ने छोड़ दी थी। मैं उनको करने कुछ रिकॉर्ड रह गया था, उसके लिए जब जहां आया तो कुलदीप जी जो जिनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने कुछ पूरी बात लगाई थी, जब इन्होंने आगे नाका लगाया था वो डर कर मारे अंदर आ गया मेरे पास, मुझे मारने के लिए आए हैं, मारने के लिए आए हैं, इसी कारण बस वो आपने आपका रोप आपका रोप है कि आपको मारने के लिए आए हैं। ये लोग सुबह शाम मेरी इंक्वायरी करते हैं कि क्या करते हैं, क्या नहीं, क्या सब मुझे मारने साहब रिकॉर्डिया जहाँ बोला है कि जो आपने निशानी किया पुलिस उसको अच्छी रीति कोई अच्छी रुचि रही है उसके नाम की जाए। मेरे पास साफ साफ गाड़ी है, मैं डीसी साहब ऊपर गाड़ी भी दिखाऊंगा, जहाँ इन्होंने जे बात को मानी है, ये हमने जो किया वो कर लिया है, आपने जो वो रखवाया है 11 महल का उसको जैसे मर्जी है वो उसी के नाम कर लेना है। तो नहीं तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, डीसी के पास जा सकते हैं, एमएलए के पास जा सकते हैं। जब से मैं आया हूँ इनका जे लंबरदार जो खासकर इन्फ्लुएंसर के पास है, इवन के जब मेरे पास मेरे साथ एक पटवारी गया, उसने भी यही बात है मैडम जी को आकर सुनाई कि मैडम जी जो लंबरदार है सबसे गंदा है, उसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो वो खुद ही पटवारी बन जाता है वहां पर, और वो किसी पटवारी की मानता नहीं है कि कोई पटवारी है उसके लिए कुछ रुपये कुछ हो जाए नतीजे से मोटन। और मैं तो आया था लगा लेने के लिए जमा मुझे लिख रहा हूँ, नायक साहब ने फोन किया था, आपने खुद ही माना किया जो आदमी आपके साथ जहाँ बैठा था, जहाँ बैठा था मोबाइल के डर के मारे जब इन्होंने नहीं बात तो सुन बात तो सुन लीजिए, ये क्या इनका कहना कि उनको उसको अंदर दरवाजा बंद किया हुआ था, वो आपके साथ बैठा हुआ था, तो ये आरोप है, कितना सच है? ऐतवार को कोई बंदा पटवारी के पास नहीं आता है, पटवारी जो भी करता है वो लेकिन जब ताकि लोगों को इंटरफेयर ना करें, इसके लिए मैं अंदर काम कर रहा था, अदरवाइज मेरी कोई और मंशा दूसरी नहीं है, चाहे आप जो इसके इसको अगेंस्ट समझो मेरी तरफ से यही एक्सप्लेनेशन है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, और रिकॉर्डिंग मेरी सभी की है मेरे पास लेकिन उनका भी हाँ उन्होंने जिस मुझे धमकाया भी है और जे भी बोला है कि जैसे मर्जी होगी वो जमीन जो लेकिन आरोप ये भी है कि आप आपके उनके पास भी रिकॉर्डिंग है, इस तरह की जो बंदा आपके पास अंदर बैठा था उनके पास रिकॉर्डिंग है, आप क्या रिकॉर्डिंग जो मेरे पास लंबड़ की रिकॉर्डिंग है वो मेरे पास काफी है उनको बताने के लिए, और उनके लंबड़ ने इतनी देर जब हम मौका देखने गए थे लंबड़ ने दो तीन बातें जो कि मैं उनका ऑफिसर था लेकिन उन्होंने दो तीन बातें ऐसी कही कि जो किसी को पटवारी को एक एक लंबड़दार नहीं आपको धमकी कब दी गई ये बता दीजिए, जब हमने उनको गया था निशान देखिए कब तक गए थे आप? मैं गया था अभी 4 महीने पहले, चार महीने पटवारी भी था जी जी, आपको कुछ नहीं किया, जो भी निशानी किया वो पटवारी ने किया जी जी, मैंने कुछ नहीं। अच्छा आपको धमकी दी, आपको धमकी जब दी गई थी तो आपने शिकायत दर्ज कराई जहाँ तहसीलदार के नोटिस में ये लाया? नहीं नहीं बताइए पहले बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए सर, बात सर 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 बात तो सुन सर सर बात 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 सर बात तो सुन लीजिए, जिस दिन आपको धमकी मिली थी या आपने कोई शिकायत दर्ज कराई जब मैम की नोटिस में ये बात लाई थी कि आपको नोटिस आपको धमकी मिली है? मैं एक बात बताऊं आपको,
कि आमतौर पर क्या होता है कि छोटी मोटी शिकायत होती है ना, हम कोई भी चीज कोई भी मसला हो उसको सॉर्ट आउट हो जाए ना कि उसको बढ़ाया जाए। लेकिन अब आप मैंने मैडम जी से बात की टीम के बारे में, ये नंबर जो है वो यूजलेस है और वो काफी करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं जब हम जाते हैं। कोई भी हो मेरी जगह कोई भी पटवारी जाएगा वो खुद लट्ठा पकड़ कर निशानदेही कर नहीं नहीं पहले बताओ ये बताओ कि आज आपने प्रदर्शन क्यों किया, इतवार के दिन भी होने के बाद भी आप तहसील ऑफिस में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्या बात है? सर अही अज नरोली ग्रां थे, मैं एक्चुअली जा रहा सर नरोल डैम से, मैं दिखाया इतने पटवारी की गड्डी लगी थी, कुलदीप सिंह और जो पटवारी मैं सोचा महा अज ऐतवार छुट्टी है दफ्तर क्या खुला है, तो मैं सर दफ्तर के अंदर आया दरवाजा खुलाया पटवारी दरवाजा नहीं खोलिया, और मैं वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, पटवारी ने आवाज मारी मैं पटवारी साहब दरवाजा खोलो, मैं तीन चार दरवाजा मारिया पटवारी ने दरवाजा नहीं खोलिया, उदे बाद मैं अपने इनकी भ्राई की फोन किया, मैं सर इन्हें कहा साढ़े वो जी जमीन का लफड़ा बने दा तो अज पटवारी कुलदीप सिंह और बैठिए कोई गेम करा दे तो सारे भ्रा मेरे आओ, ये सारे आइए मेरे फोन करने के बाद फिर अही सर कोई दो तीन घंटे बैठी रहे आवाजा मारिया पटवारी ने दरवाजा नहीं खोलिया, तो मैं सर फिर मीडिया सारे भ्राएं सदन चली आ मेरे बाद जो कुलदीप और निकली है हूं अं पटवारी को आए तो पटवारी ने देखे आखन लगे कि अं अपने काम वास्ते आए, अगर ठीक है अपने काम वास्ते आए हो तो वह कुलदीप सिंह थोड़े को सवेरा ब्रेकफास्ट थोड़ा लेके आया था इतने वो के करना आया ऐतवार दफ्तर कुदी परमिशन, मैं फिर ओ वीडियो मैम उन्हें अपने सर तहसीलदार मैम उन्हें फोन किया उन्हें बोला मैं करने पटवारी ने फोन पता नहीं फोन होया कि नहीं होया मेरी कोई इस गल का पता नहीं मैं की। लेकिन पटवारी साहब का कहना है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम कभी भी हो सकता है इतवार हो चाहे सोमवार हो। हाँ ठीक है सर हो सकता है, मगर हम हमारा कहना यह है कि हमारी दोनों पार्टियों की लगी हुई है गाँव में जगह क्या कोई झगड़ा है, तो वो कुलदीप सिंह यहाँ पे क्या कर रहा था तीन चार घंटे से सुबह का जो ब्रेकफास्ट उसका लेके आया पटवारी का, वो पटवारी का ब्रेकफास्ट क्यों लेके आया, इसका मतलब है कोई उनकी गेम है, कोई पैसे पुसे दिए होंगे या कोई गेम करनी होगी जगह उदली बदली करनी होगी तभी वो आए सुबह का ब्रेकफास्ट लेके इसके यहाँ पे आया। सर सुना जा रहा है कि कत्तर बत्तर की कोई गर्दोरियां भी की जा रही है, कत्तर बत्तर की जो कत्तर की गर्दोरी है वो हमारे तलब सिंह ताया जी है उनके नाम की थी, और शेर सिंह उनके लड़के हैं मदर सिंह है उनकी गर्दोरी तोड़ के इन्होंने कुलदीप सिंह के नाम पे वो पांच छह मरले की जगह है जो वो इनके कुलदीप सिंह के नाम कर दी है। जी जी, तो प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे जिस तरह से आज प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि इस पटवारी को जल्द से जल्द यहाँ से उठाया जाए, नहीं तो ये पटवारी ने हमारे गांव में इतनी लड़ाई घर में घर घर की लड़ाई लगवा दी है, क्योंकि ये जगह किसी की होती है बता किसी की देता है, जगह एप्लीकेशन हम देते हैं और जगह मोबाइल किसी और की करता है, ये बहुत ही हमने पहले भी अपने तहसीलदार मैम को बोला है मगर ऐसे कुछ नहीं हुआ, हम आप चाहते हैं कि डीसी साहब आपके माध्यम से डीसी साहब तक पहुंचे हमारी बात और इस पटवारी को जल्द से जल्द जहां से उठाया जाए। जिस तरह से आपने बताया कि तहसीलदार मैम से पहले भी आपने बात करी है तो आपकी बात मैंने बोला कि मैंने इसको समझाया आप कोई बात नहीं ऐसा नहीं होगा, मगर ये आदमी टच का बस नहीं हो बस का वैसा ही है, अगर फिर से कार्रवाई नहीं की जाती मैम तहसीलदार की तरफ से तो फिर क्या करेंगे और अपने रोड बंद कर देंगे ये जब तक ये पटवारी जहाँ से नहीं जाएगा। जी हाँ जी, क्या नाम है आपका जी, क्या मसला हुआ आज? आज नेक्स्ट पेंचर आए हैं इधर नरोड जा रहे हैं, इन्हें देखा पटवारी की गड्डी लगी है अज ऐतवार है इसने खुलिया जिला ऊपर देखा तो कुलदीप सिंह अंदर है इन्हें दरवाजा नहीं खोलिया, इन्हें सानू फोन फान किए आओ पिंड च जगह एक दो तीन जगह का रफड़ पेदा जिदे च इन्हें मालक बनाई उड़ता साड़िया कत्तर दी गरदौरियां तोड़ी उड़ता उदे च कत्तर की गरदौरी तोड़ने च ना कोई लंबरदार का हथ है ना कोई उदा कुछ नगर गुआई है कोई गुआई नहीं कोई कुछ नहीं, और इथू का अर्जी चुकिया घर ले जाता उत्थे कहता कोई नैब है क्या नाम नाम क्या नाम नाव, 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 क्या नाम है रेशन का रिश्तेदार है वहां लेकर जाता है और वहां से काट कर आता है और पेंसिल से लिखी हुई जी गरदौरी और वो हम एमएलए के पास भी गए थे तो इन्होंने ये बोल दिया कि नहीं नहीं उन्होंने कहा खुद फैसला कर लो और इन्होंने हमें कह दिया कि जगह हमने छीन ली आपसे अगर अगर आपकी मांग आपकी जो डिमांड है वो नहीं पूरी की जाती तो अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ से? हम सारा गाँव इकट्ठा हुए रोड ब्लॉक कर देंगे
इस पटवारी को 70 होना चाहिए, ऐसे इंसान को नहीं रहना चाहिए जो कतर की कचोरियां तोड़ रहा है। अब ये झूठ बोल रहा है ऐसे 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 उधर उधर बना रहा है। सुना जा रहा है कि धमकी भी दी गई थी आपकी तरफ से, धमकी इसने भी दी है, इसने ककयाल भी एक औरत को धमकी दी थी, हमें भी दी है धमकी, अगर जो कोई मेरे सामने बोला तो याद रखना मैं पटवारी हूँ, मुझे हाथ नहीं लगा सकते आप, हम इसलिए इसे डरते हैं, और जो इनके साथ आदमी है उनको इसने कह दिया मार दो जिसको मारना, हम डरते नहीं बोलते, हम तो कानून के पास ही जाएंगे, क्या करेंगे।